अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर एक बाइक छोटी सी, सर छोटी सी। सर आज कॉम्बिंग बस की जा रही है और आपने दिशा निर्देश दिए क्या कहना चाहेंगे? कॉम्बिंग हर समय समय पर की जाती है। कुछ दिनों पहले ही दिवास साहब ने कॉम्बिंग बस की गई थी, इसका काफ़ी प्रभावी अच्छा रिजल्ट रहा। प्रदेश स्तर पर आज की रात ये कॉम्बिंग बस की जा रही है। इसमें मुख्यतः हमारे ऐसे वारंटी या अच्छे गुंडा जो दिन में नहीं मिलते उनके तलाश का प्रयास करेगी। इसके अलावा पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग भी लगेगी, जिसमें संदेह की तलाश की जाएगी। ड्रिंक एंड ड्राइव के जो वाहन चलते हैं उसके संबंध में चेकिंग की जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई गाड़ी वगैरह से आम चीज़ की और चीज़ों का परिवहन इत्यादि भी पॉइंट मिलता है तो उसको कर रखी जाएगी। सर लगातार शहर में पुलिस रात्रि गश्त भी अच्छे से कर रही है और एक अलग ही माहौल पुलिस का बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पुलिस की टीम
लड़ाई का पात्र है और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। हमारी बस की टीमें दबल हुई हैं, सरकार ने अधिकारी दो रात व्यस्त कर रहे हैं ताकि शहर की अच्छी तरह से सोचा कोई कठिनाई न हो, और उसी कार्यक्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है और पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि आज की रात भी हमारे बात को संपन्न नहीं कर सकते। सर, लगातार पूरेदल आपकी गश्त की जा रही है और ऑपरेशन प्रहार भी चलाया जा रहा है और इस तरह से देखा जाए तो लगातार रात्रि गश्त भी की जा रही है, इसको शहर को अपराध मुक्त और जिले को अपराध मुक्त रखना पुलिस का एक प्राथमिक दायित्व है। हमारे डेली संसाधन और एजेंसी हमारे स्टाफ हैं सभी लोग काफ़ी मोटिवेटेड हैं और पूरे जोश खरोश और मोटिवेशन के साथ अपना लगातार ड्यूटी को संपादित कर रहे हैं। इसके लिए संकट सफलताएँ भी मिली, कई सारी घटनाएं जो उनको डिटेक्ट किया गया, बहुत सारी घटनाएं रोकी मिल गई, कई घटनाएं जो भी हैं तो पूरा पुलिस की टीम सक्रिय है और लगातार अधिकारियों की। सर, अभी तक अभी कितने जवान और कितने अधिकारी की टीम पूरे जिले में अभी लगी हुई है? हाँ, पूरे जिले में लगभग 1000 के लगभग अपने स्टाफ अधिकारी लगे हुए हैं, जिसमें न केवल दीवार निकाले हैं बल्कि जो हमारे देहात के थाने हैं जिसमें व्यस्त क्षेत्र नरावर से लेकर हर गांव, खाते गांव, कन्नौज, उदयनगर, बागी, सोनगढ़, पदमा, हर थाने में।